थाना ताजगंज क्षेत्र अंतर्गत बरौली अहीर में उस समय चीख पुकार मच गई जब तेज रफ्तार से आते हुए कैंटर ने एक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया। चपेट में आने से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिजनों ने मृतक के शव को रोड पर रखकर जाम लगा दिया। घटनाक्रम की जानकारी होते ही एसपी सिटी में फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गए और शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा जाम खुलवाया। ताजनगरी में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेज रफ्तार के चलते लगातार सड़क हादसों में व्यक्तियों की जाने तक जा रही हैं। परंतु पुलिस है कि तेज रफ्तार वाहन चालकों पर कार्रवाई करने से बचती नजर आती है। ऐसा ही एक मामला थाना ताजगंज क्षेत्र अंतर्गत बरौली अहीर का सामने आया है, जब तेज रफ्तार से आते हुए कैंटर ने एक व्यक्ति को रौंद दिया। भीषण सड़क हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जाम लगा दिया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। घटनाक्रम की जानकारी होते ही एसपी सिटी विकास कुमार में पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गए और भारी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया। फिलहाल पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा आगे की विधिक कार्यवाही में जुटी हुई है। एक लोडेड ट्रक, इसमें गिट्टी लगा हुआ था, ने एक व्यक्ति को धक्का मारा, जिससे व्यक्ति की जगह कहीं छुट्टी उसकी जगह हो गई। उस व्यक्ति का नाम है बनवारी लाल कटारा, 68 वर्ष है और वो रक्षा संपदा में कार्यरत थे, वहाँ से रिटायर्ड थे। परिजनों को आश्वासन दिया गया है कि पूरी विधि कार्यवाही की जाएगी और उनके द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। चालक मौके से फरार हो गया था, ट्रक पुलिस की कब्जे में। एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि सड़क हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही कैंटर चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कैंटर को जब्त कर लिया है। परिजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है, लेकिन वृद्ध की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।